नमस्कार दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम लोग बातें करेंगे एक नया टॉपिक को लेके, एक रेसिपी, एक टेक्निक। सो हर बड़ी मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे डालिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। तो आज हम लोग बातें करेंगे ओपोस कुकिंग, ओपोस OPOS, दैट इज़ वन पॉट वन शॉट कुकिंग। एंड इसमें कैसे हम लोग बहुत जल्दी घर में बच्चे लोगों का ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे आज ओपोस कुकिंग। सो इसमें एक बारे में तीन आइटम हो जाएगा, तो वही हम लोग दिखाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइस, ठीक है, उसके बाद ये आलू जो है, ये आलू हम लोग बॉयल करके ये आलू को एक भरता बना लेंगे, नॉर्मल जो लोग बच्चे लोग पसंद करते हैं। एंड ये जो दाल है मसूर दाल, ये मसूर दाल जस्ट बॉयल करेंगे, यही बच्चे लोग खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग बहुत सिंपल सा एक कुकिंग जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहे हैं। राइस वो भी स्ट्रेन करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि स्ट्रेन राइस इज़ हेल्दी राइस। तो वही स्ट्रेन राइस, दाल एंड आलू, तो ये हम लोग दिखाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये चावल को भीगा हुआ है एंड मैं बहुत अच्छी तरीके से धो के रखा, दाल को भी अच्छी तरीके से धो के रखा। तो पहले चावल को दे देते हैं। सो देखिए, मैं प्रेशर कुकर में चावल डाला एंड पहले का मैं ये वीडियो में दिखा चुका हूँ, जब स्ट्रेन राइस होता है तब जितना अमाउंट ऑफ चावल, अगर एक कप चावल है तो 3.5 से 4 कप पानी, तो वही मैंने डाला। एंड ये दाल मैं टिफ़िन बॉक्स में बिठाऊंगा ताकि ये टिफ़िन बॉक्स खोल ना जाए, क्योंकि ये अंदर में बिठेगा। तो ये दाल मैंने दिया, तो दाल के साथ किया थोड़ा सा पानी ताकि दाल पूरा हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दाल थोड़ा सा घना होगा तो ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, हल्दी एंड थोड़ा सा राई की ऑयल, ठीक है। तो देखिए, ये कटोरा मैंने क्या किया, इसका नीचे, तो नीचे का मैंने ऐसे एक बर्तन पे बिठा दिया ताकि नीचे सही ढंग से धो जाए, क्योंकि ये मेरा ये चावल पे जाएगा, है ना। तो मैं अभी ये धो के, देखिए नीचे मेरा क्लियर हो गया, मैं टिफ़िन बॉक्स पूरा बंद कर रहा हूँ, बंद करके मैं इधर रख रहा हूँ। सो देखिए, मैंने रखा एंड एक आलू मैंने छील के रखा था, तो वो ये आलू मैं ऐसे बिठा दिया, और ये ऐसे भी मैं रख सकता हूँ क्योंकि इसको सिर्फ बॉयल ही होना है। तो अभी मैं कुकर गैस पे चढ़ाऊँगा एंड एक विसल लाऊँगा। देखिए, मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया एंड ये ढक्कन को मैं बंद कर दिया, बस। तो अभी मैं एक या दो विसल के लिए वेट करता हूँ, विसल आ रहा है, अभी हुसल बजेगी। तो एक हुसल बन गया, बस दो हुसल हो गया। तो अभी मैं गैस को बंद कर रहा हूँ, तो अभी पूरा प्रेशर रख देंगे। सो देखिए, प्रेशर निकल गया, प्रेशर कुकर खोल चुका हूँ। सो देखिए, मैं ढक्कन को खोला, ऐसा हुआ है, दाल देखिए, बस दाल को मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ। राइस में थोड़ा सा गर्म पानी मिला दिया एंड इसको छान लेते हैं ताकि ये स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं। सो देखिए, राइस को छान लिया। सो देखिए कितना सुंदर राइस बना है एंड उसके साथ ये आलू भी बॉयल हो गया है, तो इसको पहले बाद में भरता बना लेंगे। एंड ये देखिए, दाल भी कितना सुंदर पक गया है। तो बस एक हेल्दी बेबी फूड के लिए और चिल्ड्रन के फूड के लिए ये एक बार में ओपोस में हो गया है, तो कितना जल्दी सब कुछ हो गया है, एक साथ एक बड़े में तीनों चीज़, राइस यो भी स्ट्रेन राइस एंड मसूर दाल, बॉयल मसूर दाल बहुत हेल्दी है, एंड ये आलू बॉयल, इसको बाद में भरते बना लेंगे। तो आप लोग ज़रूर ये फॉलो कीजिए ये मेथड, इसमें बहुत गैस का बचत होती है एंड बहुत जल्द हो जाती है, आपका भी तकलीफ कम, तीनों तीनों आइटम एक साथ। तो
व्यूअर्स फिर से कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। एंड आप लोग प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए एंड इसको शेयर कीजिए। तो नमस्कार, बाय, थैंक यू।